बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में करीब 41 योजनाओं का उनके द्वारा किया गया शिलान्यास एवं उद्घाटन। सबसे पहले इन्होंने आधी आबादी को जोड़ने वाला महाराजी पुल, जो कई वर्षों से क्षतिग्रस्त था, जर्जर था, कभी भी वो टूट सकता था, जिसका इन्होंने इस पुल का शिलान्यास किया। करीब 14 करोड़ की लागत से यहाँ एक नया पुल का निर्माण होना है। इस अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक मिश्री लाल यादव, विधायक मुरारी मोहन झा एवं नगर विधायक संजय सरावगी के साथ साथ MLC डॉक्टर अर्जुन सहनी एवं हरी सहनी भी उपस्थित थे। बड़ी संख्या में लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा नगर निगम के बगल में राजेंद्र भवन में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब शुभंकरपुर पुल के साथ साथ 41 योजनाओं का हुआ शिलान्यास एवं उद्घाटन। इससे पूर्व इन्होंने राजेंद्र भवन परिसर अवस्थित राजेंद्र प्रसाद के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उसके बाद रिमोट कंट्रोल से कई योजनाओं का किया शिलान्यास एवं उद्घाटन। इस परिसर में इन्होंने वृक्षारोपण भी किया। आज के शिलान्यास में सबसे बड़ी बात यह रही कि शुभंकरपुर, करीब आधा शहर शुभंकरपुर के पश्चिमी छोर पर बसा हुआ है। 14 करोड़ की लागत से यहाँ एक नया पुल का निर्माण होना है। वहीं दूसरे तरफ आगत अतिथियों को मिथिला की परंपरा पाग, माला एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। दरभंगा के नगर आयुक्त कुमार गौरव के द्वारा इन अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं उपनगर आयुक्त ने भी कई अतिथियों का स्वागत किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन दरभंगा के नगर आयुक्त ने किया। इस अवसर पर इन वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कही। आज के कार्यक्रम में दरभंगा नगर निगम के कई पूर्व पार्षद, निवर्तमान पार्षद, पूर्व उप महापौर, निवर्तमान उप महापौर, पूर्व महापौर गौरी पासवान सहित शहर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। दीप जलाकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कई बातें कही। वहीं कई लाभार्थियों को घर का चाबी देकर भी उन्हें सम्मानित किया गया। शुभंकर पुल के संबंध में पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि यह 100 वर्ष पुराना पुल है, इसे धरोहर के रूप में यहाँ के लोग देखते हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इस पुल को तोड़कर हटा दिया जाएगा, नया पुल बनेगा। इन्होंने क्या कहा, सुनिए। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। योजना का आपने शिलान्यास उद्घाटन किया, आपने सुना ही होगा कि महाराजी पुल जो इस दरभंगा शहर को दो भागों में बांट रहा था और काफ़ी कठिनाई हो रही थी, भारी वाहन का परिचालन नहीं हो पा रहा था, इसे मैंने 14 करोड़ 24 लाख की लागत से उसका शिलान्यास किया है। और इतना ही नहीं, आज हमने लगभग 32 या 32 करोड़ की लागत से कई योजना का शुभारम्भ किया है, जिसमें दो भूगर्भ नाला भी है, और लगभग 9.5 करोड़ की लागत से हम एक विद्युत चालित सौदागिरी एवं दो लकड़ी द्वारा दाह संस्कार के लिए संयंत्र की स्थापना के लिए निविदा उसकी हो गई है, उसका भी कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। सर, वो जो ऐतिहासिक पुल है सर, उस पुल को रखा जाएगा या उस पुल को तोड़ दिया जाएगा? नहीं, देखिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, पुल को तो हटाना पड़ेगा, लेकिन लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, ये ध्यान। सर, एक